जॉन्डिस कभी भी किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। जॉन्डिस की जैसे मैंने बताया एज के अकॉर्डिंगली वजह जो है उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर बच्चों को हुआ है, जैसे इवन जो न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते हैं नॉर्मली उनको पहले हफ्ते में जॉन्डिस होता है एंड उसके बाद वो ग्रेजुअली, इसलिए हम फोटोथेरेपी देते हैं, वो इम्प्रूव होता है बट वो नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है। फिर बच्चों में इन्फेक्शन की बात करें, जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस ए की वजह से बहुत कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। अगर आपने नाम सुना है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो कि ब्लड के थ्रू वो इन्फेक्ट होते हैं, दैट इज ए वेरी वेरी कॉमन रीजन ऑफ जॉन्डिस। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show, and today we are going to talk about jaundice, and for that we have Dr. Pankaj Ji with us, who is a senior consulting physician in Narayana Multi Speciality Hospital. Sir, welcome to the show. Again, I have got the opportunity to talk to you and awareness to people. Sir, today we are going to talk about jaundice. और इस टाइम में मॉनसून के टाइम में जॉन्डिस होता है, काफ़ी फैलता है। और जॉन्डिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर टेम्पररीली अगर किसी को स्टार्ट हुई है और वो एकदम से रिकवर हो जाए तो इट्स फाइन, वो ठीक हो जाती है, बट अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो वो इनफैक्ट मैंने देखा है कि डेथ्स भी हुई है। सो मैं जॉन्डिस जानना चाहूँगी कि क्या होता है एक बार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जॉन्डिस इज बेसिकली जो कि हम आम भाषा में पीलिया बोलते हैं, तो बेसिक अगर आपकी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है उसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। बिलिरुबिन बढ़ने की बहुत सारी वजह हो सकती है। नॉर्मली जो एक्यूट वायरल फीवर के साथ में आता है उसे हम एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। हिप्पा मतलब लीवर। अगर आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो डेंगू हो चाहे वायरल हो, आमतौर पर जो कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। बच्चों में हेपेटाइटिस ए ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है और एडल्ट्स में हेपेटाइटिस ई जो है कॉमनली देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पानी से ट्रांसमिट होते हैं, यानी अगर आपका पानी इन्फेक्टेड है, दूषित है, तो उसके थ्रू ये एक दूसरे को फैल सकता है, इसलिए जल्दी रैपिडली कम्युनिकेट होता है, जल्दी प्रोग्रेस होता है। एंड इन सब केसेस में एक्यूटली आपका जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन 10-15-20 तक भी बढ़ सकता है। अगर हम जॉन्डिस की बात करें, अगर आपका बिलिरुबिन 3 के ऊपर है या 3 के ऊपर है तो आपकी आंखों में पीलापन दिखाई देता है, तब हमें समझ में आता है कि हमें पीलिया हुआ है। नॉर्मल उसका वैल्यू जो होता है बिलिरुबिन का लेस देन 1 होता है। उसी तरह से हम जॉन्डिस को दो और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। जॉन्डिस की सिर्फ एक ही वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। और कभी आपके खून में अगर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कभी मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, बहुत अगर आपके लीवर में का जो बिलिरुबिन है, नॉर्मली बिलिरुबिन हमारी आंतों में खाने को डाइजेस्ट करने के काम आता है। जो हमारा स्टूल का कलर येलो कलर का होता है वो उस पिगमेंट की वजह से ही होता है। तो अगर आपके लीवर और इंटेस्टाइन के रास्ते में अगर रुकावट है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस बोलते हैं, तो भी आपको पीलिया हो सकता है। जैसे काफ़ी लोगों को गॉल स्टोन होते हैं, पथरी होती है, उसकी वजह से पीलिया होता है। काफ़ी लोगों को लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से पीलिया होता है। काफ़ी लोग जो अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, काफ़ी लोग जिनका फैटी लीवर है ओबेसिटी की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से, उन्हें भी पीलिया हो सकता है। तो इस तरह पीलिया एक जनरल टर्म है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि उसकी वजह क्या है। बिल्कुल सर, एंड आपने कॉसेस तो बता ही दिए हैं। अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें, जैसे आंखें पीली हो जाना, शरीर पीला हो जाना, ये तो सबको पता है, और क्या क्या सर साइंस और सिम्टम्स हम देख सकते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन जो सिम्टम है वो है फटीग, थकान, वीकनेस, चलने पे सांस फूलना, थकान, काम करने का मन ना करना, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होना, स्टूल का कलर चेंज हो जाना, काफी केसेस में जॉइंटिस के साथ खून की कमी भी देखने को मिलती है। तो ये सब लक्षण जो है, बुखार, अगर हमें हेपेटाइटिस हुआ है तो पहले हम इसको बोलते हैं रोलो, मतलब पहले सिम्टम कुछ कुछ आते हैं, जैसे आपको हाईग्रेड फीवर आता है 2-3 दिन तक, उसके बाद पीलिया आना चालू होता है। इसी तरह जैसे अभी डेंगू फैला हुआ है, डेंगू में भी डेंगू की वजह से आपको पीलिया हो सकता है, टाइफाइड की वजह से आपको पीलिया हो सकता है। तो उसमें जो लक्षण है, जो आपकी मुख्य बीमारी है, क्योंकि जॉन्डिस जो है मुख्य बीमारी नहीं है, किसी भी बीमारी का एक आउटकम है, एक इफेक्ट है। तो बीमारी की लक्षण के आधार पे जॉन्डिस के लक्षण भी चेंज हो सकते हैं। ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है
तो उसके पीछे ना कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि लाइक इनको कोई और मेजर बीमारी हुई होगी। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। सर आपने बताया कि दो तरह के जॉन्डिस होते हैं, और अगर हम भी खुद से पता लगाना चाहें कि कहीं हम जॉन्डिस में हो ना जाए या फिर हम इसके उसमें तो नहीं आ रहे हैं, हमें वो हो तो नहीं रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी बता दिया साइंस एंड सिम्टम्स, लेकिन इसके अलावा अगर हमें अपनी बॉडी में अगर हम खुद से वो चेंजेस फील करना चाहें तो ऐसे कोई चेंजेस होते हैं या फिर जैसा आपने बताया फटीग एंड ऑल? मेनली सिम्टम्स यही होते हैं कि आपका वीकनेस आपकी बॉडी में फील होती है, फीवर आ सकता है, पीलिया के साथ में जो आपकी बीमारी जो है मेन बीमारी है उसके लक्षण आपको साथ में देखने को मिलते हैं। एंड इसके अगर हम टेस्ट की अगर बात करें, टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, CBC आपका हीमोग्राम है, ये सब जो टेस्ट है इनसे आप जानकर पता लगा सकते हैं कि आपका जो जॉन्डिस हुआ है उसमें आपका जो बिलिरुबिन है वो भी आपका दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, यानी जो लीवर से प्रोसेस होके निकल रहा है वो आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन है, और जो लीवर से पहले जो ब्लड के थ्रू जो हमारी आरबीसी से जो रिलीज होके निकल रहा है वो आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो उसकी भी वजह आप ब्लड रिपोर्ट देख के डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हमें इस जो मरीज आपके सामने आया है उसकी जॉन्डिस के पीछे क्या वजह है, उसकी मूल जो उसकी बेसिक बीमारी है वो क्या है। ओके, एंड अगर सर एज ग्रुप की बात करें तो क्या ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को होता है, लाइक ओल्ड या फिर चिल्ड्रन या फिर किसी भी एज को? जॉन्डिस कभी भी किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। जॉन्डिस की जैसे मैंने बताया एज के अकॉर्डिंगली वजह जो है उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर बच्चों को हुआ है, जैसे इवन जो न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते हैं नॉर्मली उनको पहले हफ्ते में जॉन्डिस होता है एंड उसके बाद वो ग्रेजुअली, इसलिए हम फोटोथेरेपी देते हैं, वो इम्प्रूव होता है बट वो नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है। फिर बच्चों में इन्फेक्शन की बात करें, जैसा मैंने बताया हेपेटाइटिस ए की वजह से बहुत कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। अगर आपने नाम सुना है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो कि ब्लड के थ्रू आपको इन्फेक्ट होते हैं, दैट इज ए वेरी वेरी कॉमन रीजन ऑफ जॉन्डिस, बट वो क्रॉनिक में आते हैं, वो एक्यूटली आपको जॉन्डिस नहीं करेंगे। अगर लंबे समय तक आप हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं तो उसकी वजह से लीवर फेल होगा और लीवर फेल होने की वजह से आपको पीलिया या जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो लंबे समय तक रहते हैं, ज्यादा सीवियर होते हैं और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। ओके, एंड सर जैसे आपने बताया कि इन्फेक्ट्स को भी जॉन्डिस हो जाता है जी, तो क्या उस टाइम पर वो सीरियस है अगर बच्चे को जॉन्डिस हुआ या फिर ये होता ही है या फिर कुछ? नॉर्मली शुरू के फर्स्ट वीक में बच्चों को होता है इन्फेक्ट्स को, लेकिन ग्रेजुअली आप फोटोथेरेपी देने से या फिर नॉर्मली भी वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो वैल्यू ज्यादा है तो इन दैट केस आपको अपने बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर अगर बात करें कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो क्या जॉन्डिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से?